नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर गांधीनगर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीना शर्मा आपको कक्षा 5 के पाठ 4 त्योहारों का देश का अध्ययन करवाने वाली हूँ। भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ हर एक दिन, हर ऋतु, जीवन से जुड़े हर कार्य कलापों को उत्सव की भांति मनाया जाता है। भारत में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस, होली आदि अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सभी धर्मों के त्यौहार मिलकर मनाते हैं। त्यौहार और उत्सव यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो प्रस्तुत है पाठ 4 त्योहारों का देश। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब कविता की पंक्तियों में कवि भारत देश में मनाए जाने वाले त्योहारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रस धार है। हमारे देश की मिट्टी का प्रत्येक कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है। हुलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। भावार्थ यह है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियाँ भरी हुई हैं। वह उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और हर एक के दिलों में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान है। ऐसा हमारा भारत देश है जो त्योहारों का देश है और हम सबको इससे अत्यधिक प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। जैसे ही सावन का महीना आता है, वह सबके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर के आता है। सब तरफ धरती पर हरियाली की चादर बिछ जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। अब राखी का त्यौहार भी इसी महीने में आता है। इस दिन भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के राखी बांधकर बहुत ही खुश होती हैं। घर बाहर झूले झूले गाते राग मल्हार हैं। सावन में पेड़ों पर इसी महीने में लगे हुए झूलों पर झूलती हुई महिलाएं गाती हैं और खुशियां प्रकट करती हैं। उमंग भरे त्योहारों के हमारे देश से हमें बहुत ही प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय हर घर या हर जगह तिरंगा झंडा फहराकर आज़ादी का पर्व मनाते हैं। यह दिवस हमें देश की खातिर शहीद हुए लोगों की कथाओं और गाथाओं की याद भी दिलाता है। उनके बलिदान की वीरतापूर्ण जो कहानियां हैं उनको सुनकर हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। हम सभी भारत माता की जयकार कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। हमारे देश भारत
जो कि त्योहारों का देश है, हमें उससे अत्यधिक प्यार है। अगली कड़ी में आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खील बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद आश्विन का महीना आता है। इस महीने में प्रतिवर्ष विजयदशमी या दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस दिन कई खेल तमाशे होते हैं। दीपावली का त्यौहार लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भर देता है। इस पर्व पर सब जगह दीपक जलाकर रोशनी की जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे चलाकर अपनी खुशियाँ जताई जाती हैं। धूम धड़ाकों की इन आवाज़ों से सभी के मन में खुशियों का संचार होता है। ऐसे त्योहारों से परिपूर्ण हमारे देश से हमें बहुत ही प्यार है। अगली कड़ी के अंदर भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयां सबके मन को भाती है। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व आता है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष रूप से खीर और सेवैयां बनाते हैं, जो सबको बहुत अच्छी लगती है, सबके मन को भाती है। सब लोग आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। यह त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाला त्यौहार कहलाता है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, इसके बाद ईद के बाद अब आता है क्रिसमस का त्यौहार। बच्चों को बड़ों से तथा उपहार मिलते हैं। सांता कुन जो कि बच्चों को उपहार में खेल खिलौने बांटते हैं। सब लोग इस त्यौहार पर बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। त्यौहारों के ऐसे हमारे देश से हमें बहुत ही अत्यधिक प्यार है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो त्यौहारों का देश है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डबडोल मंजीरे रंगों की पौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव के रूप में 26 जनवरी को हम राष्ट्र पर्व के रूप में मनाते हैं। जो 26 जनवरी है, जो गणतंत्र दिवस है, वो राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सभी लोग अत्यंत ही हर्ष और उल्लासित होते हैं। बसंत ऋतु में सारे प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, हर तरफ हर रंग बिरंगे फूल ही फूल दिखाई देते हैं और उनकी खुशबू से जो वातावरण है वो महक उठता है। अब होली में डबडोल मजीरे रंगों की पौछार है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब फागुन का महीना आता है, उसमें होली का त्यौहार आता है। इस दिन रंगों के चारों तरफ मस्ती मस्ती होती है, रंगों की पौछार होती है और मस्ती का माहौल रहता है। डबडोल मजीरों के साथ लोग नाचते गाते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। जो हमारा भारत देश है वो त्योहारों का देश है और हमें इससे अत्यधिक ही प्यार है। जो हमारा भारत देश है वो महान देश है, इसलिए ऐसे देश की संस्कृति को हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।